सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आप सभी को पता है कि हमारी अभी केमिस्ट्री की क्लास में जो आज जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका रासायनिक बंधन। इसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। पिछली तीन से चार क्लासेज हमारी इस पे आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने शायद ये किया था कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के रिटेन टेस्ट में। और फिर उसके बाद हमने जाना आपका आयंस के बारे में, धनायन और ऋणायन के बारे में। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आई उसमें हम सभी ने जान लिया कि आपके प्रकार कि रासायनिक बंधन के प्रकार कौन से हैं, और उनके प्रकार में जो इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि सहसंयोजक बंधन जिसको बोला जाता है, सहसंयोजक बंधन में जो भी प्रकार इम्पॉर्टेंट है वो हमारा चल रहा था। फर्स्ट प्रकार हमने जान लिया था जो कि एकल सहसंयोजक बंधन था, उसको हमने जान लिया था, उसमें थोड़ा सा उसको पूरा क्लियर कर दिया था। बस उसके एग्जाम्पल को जो कि मैं पिछली लाइव क्लास में कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से नहीं समझा पाया था, तो उसी को पहले मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे उसका सेकेंड पार्ट को समझेंगे। तो उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए जो उसका पार्ट जो हमने उसको लाइव क्लास में छोड़ दिया था क्योंकि नेटवर्क इशू कुछ हुआ था और उस वजह से पूरा का पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। किसी कहीं भी आवाज कट हो रही थी और कहीं पे आपको देखने में भी प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उसी वजह से हम लोग फिर से आज मैंने सोचा कि एक बार क्लियर कर दी जाए। तो याद रहे कि रासायनिक बंधन का सेकेंड पार्ट हमारा चल रहा था और वो क्या था, तो वो था आपका सहसंयोजक बंधन। ठीक है, हमारा सेकेंड पार्ट चल रहा था और वो था हमारा सहसंयोजक बंधन, जिसको बोलते क्या है, तो जिसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, LENT होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसको बोला जाता है। अब यहां पे जो हमारा इसमें जो हमारा पार्ट चल रहा था वो था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट जान रहे थे और इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, तो वो था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एकल सहसंयोजक बंधन। ठीक है, क्या था हमारा, तो वो था एकल सहसंयोजक बंधन, ये हमारा जो है चल रहा था। अब इसमें क्या था कि इसमें मैंने आपको जो थ्योरी लिखवाया था वो ये था कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तो उसे सहसंयोजक बंधन, और एकल सहसंयोजक बंधन मैंने आपको क्या समझाया था कि जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होता है तब एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। मतलब कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, तो एक जोड़ा, जब एक और एक मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होगा ऐसे एक, और फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का साइन है। ठीक है, ये और ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का साइन है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन साझा होता है तो उनमें क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे में आपका मैंने आपको उदाहरण दिया था हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे वही उसका थ्योरी हमने लिखवा दिया था, पर आपको इससे समझाना बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप देखो 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ये चीज आपकी 10th क्लास में, यदि आपकी NCERT बुक होगी साइंस की तो आप लोगों का ये चैप्टर 4 में ही पढ़ना था, जो कि आपका चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक, ये उसको बोला जाता है। तो ये आपका हो चुका है, ये आप पढ़े हुए हो, लेकिन हो सकती है नोट कॉपी होगी तो नोट कॉपी पलट के देख सकते हो, लेकिन अगर नोट कॉपी ना भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग बारी बारी से सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो वही है, तो जैसे में मैंने क्या बोला था, तो जैसे में मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन अणु। ठीक है, क्या था, तो जैसे में मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन अणु। ठीक है, हाइड्रोजन अणु के बारे में मैंने आपको बोला था। अब जो हाइड्रोजन अणु था इसका क्या होता है सूत्र, तो हाइड्रोजन अणु का आप केमिकल बॉन्डिंग कैसे करोगे, तो हाइड्रोजन अणु H2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है, तो H हो गया। अब हाइड्रोजन की कितनी है परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1। ठीक है, और फिर एक और हाइड्रोजन H2 है, मतलब कि दो हाइड्रोजन, तो इसकी परमाणु संख्या 1 और इसकी भी परमाणु संख्या 1, तो एक और एक मिलके क्या बना दिए, वेल जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं तो उनसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एकल सहसंयोजक बंधन बनता है, वही तो थ्योरी लिखवाया था ना। तो ये देखो यहाँ पे कितने जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे थे, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, तो इसका मतलब इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड, यही हो गया, बिल्कुल यही होता है। समझिए क्या था, H2 हाइड्रोजन अणु दिया था, H2 का निकालना था, तो H कितने थे, दो ठो थे, H कितने थे, H आपके दो थे। ठीक है, तो पहला H हो गया, H की परमाणु संख्या कितनी है, एक है, तो एक एक इधर हो गया, एक एक परमाणु इधर हो गया। अब उसके बाद एक और हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, एक ही है भाई, तो एक और एक दोनों मिलेगा, तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखो हो गया। अब इसके बाद ठीक है, आप लोगों ने इसको देख लिया, अब यही तो मेन है, यहाँ पे आपने इसको समझ लिया, और यही एग्जांपल मैंने आपको उस दिन भी दिया था, पर समझने में कुछ दिक्कत हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, और वो प्रॉब्लम होने का जो सबसे बड़ा रीजन था
वो था आपका कि सबसे बड़ा रीजन जो था वो यही था कि इसमें आपको ये प्रॉब्लम हो रहा था कि समझ नहीं पा रहे थे बहुत बच्चे, ठीक है, एकल सहसंयोजक बंधन था, ये बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको सोचा कि एक बार दोबारा बता दिया जाए, तो इसीलिए मैं ये आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ और मैं ये जो हूँ आपको अब बता दूंगा, ठीक है, कि ये होता क्या है। तो एकल सहसंयोजक बंधन में देखो सिंगल बॉन्ड इस तरीके से बनता है, ठीक है। हमने उस दिन कुछ ज्यादा नहीं किया था, अगर समझ में भी ना आया हो या कुछ वीडियो का इशू हो सकता है, नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम आ गया था, तो उसमें कुछ हमने जाना नहीं था, बस यही कि सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार होते हैं, इसके रासायनिक बंधन के उन तीनों प्रकारों को लिखा, और वो सेकंड प्रकार था सहसंयोजक बंधन कोवेलेंट बॉन्ड, और उसका फर्स्ट टाइप चला था एकल सहसंयोजक बंधन। तो यही है हमारा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसमें जो है आप लोग एक और चीज के बारे में जान लो, जो कि है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में कौन सा बॉन्डिंग होता है उसको समझ लो, ठीक है। तो यहां पे जो है आपका देखो, आपने सिंगल बॉन्ड देख लिया, अब Cl2, ठीक है, हाइड्रोजन का आपने देख लिया, अब मैं आपको क्लोरीन का दिखाऊंगा, ठीक है, किसका दिखाऊंगा, क्लोरीन का। तो इसको जो है अब मैं देखो यहां से इरेज कर दूंगा, और यहां से इरेज करके अब मैं आपको क्लोरीन का समझाऊंगा कि क्लोरीन का कैसे बनता है, ठीक है। तो यहां से मैं आपको हटा रहा हूं इसको, और अब जो है हम लोग समझेंगे क्लोरीन का कि क्लोरीन का आखिर बनता कैसे है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है समझ लेंगे आपका किसका, तो क्लोरीन का, क्लोरीन अणु का समझेंगे अब हम सब। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं क्लोरीन का कैसे बनता है। तो अब जो है हमारा क्या हो गया, तो हमारा हो गया क्लोरीन, ठीक है। तो चलिए अब हम सब देख लेते हैं क्लोरीन का क्या हो गया। तो अब जो है हमारा वो हो गया क्लोरीन अणु, ठीक है, लिख रहा हूं यहां पे, क्या लिख रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्लोरीन अणु, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्डिंग को यही समझना जरूरी था, उस दिन जैसे कुछ प्रॉब्लम आई थी लाइव क्लास में, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था, कहीं कहीं आवाज कट रहा था, कहीं कहीं कुछ धुंधला दिख रहा था, मतलब फ्रेश क्वालिटी नहीं दे पाया था मैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसे क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद ही आगे चलेंगे, क्योंकि ये इसको समझना पहले जरूरी है सिंगल बॉन्ड आखिर होता क्या है। तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्लोरीन अणु का क्या होता है, क्या क्या लिखते हैं इसको, Cl2। क्लोरीन अणु को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है Cl2 लिखा जाता है क्लोरीन को, ठीक है। अब देखिए इसका बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या आप सभी को मुझे लगता है याद होगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है आप बताओ, तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो होती है 7। कितनी होती है क्लोरीन परमाणु संख्या, 7 होती है, जी नहीं, क्लोरीन की परमाणु संख्या 7 नहीं होती है, वो क्या होती है, तो देखो उसको कैसे निकालते हैं, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हो जाता है ये आप सभी को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है ये आप सभी को मैंने करवाया हुआ है, याद है आप सभी को कितना होता है, यदि आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस अच्छे तरीके से अटेंड की होगी तो आपको क्लोरीन की परमाणु संख्या याद होगी, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, लाइव चैट के थ्रू मैं इन सारी चीजों को देखता हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कब रिप्लाई दोगे, क्योंकि लाइव चैट के थ्रू मैं अभी आपको रिप्लाई दे रहा हूँ, तो लाइव चैट में आप लोग बताओ पहले कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, आप पहले मुझे ये बताओ कि जो क्लोरीन अणु है क्लोरीन की आखिर परमाणु संख्या होती कितनी है, आप मुझे ये समझाओ। तो देखो क्लोरीन की यदि आपको परमाणु संख्या याद आई है तो ठीक है, नहीं तो क्लोरीन की परमाणु संख्या देख लो, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, लिख रहा हूं यहां पे क्लोरीन, यही सिंगल बॉन्ड में बनाने आपको समझा रहा हूं, ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17, सही हूं मैं, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। अब देखो सिंगल बॉन्ड क्या, कोई भी केमिकल बॉन्ड, ठीक है, कोई भी आप केमिकल बॉन्डिंग बनाओगे तो केमिकल बॉन्डिंग बनाने से पहले आपको KlMN के फॉर्म में लाना होगा, यही चीज मैंने आपको पहले समझाया था फर्स्ट क्लास के में ही, मैंने इसीलिए सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग का उदाहरण दिया, केमिकल बॉन्डिंग का पहले मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, रासायनिक बंधन, पहले मैंने आपको उसे समझाया, और उसे समझाने के बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KlMN समझाया, क्योंकि अगर वो नहीं समझते ना तो आगे आपके लिए ये टॉपिक तो मतलब बाउंसर जाने वाला था, तो पहले मैंने KlMN समझ लिया था, तो पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो जितना भी केमिकल बॉन्डिंग बनता है ना उनका पहले हमें सिंगल बॉन्ड वाले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ही पड़ता है, ठीक है, उनका सबसे पहले हमें सिंगल बॉन्ड वाले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना पड़ता है, तो करना ही पड़ता है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसा था तो पिछले वाले हाइड्रोजन में क्यों नहीं किया, तो उसकी परमाणु संख्या एक ही थी उसमें करने का जरूरत नहीं था, लेकिन इसका 17 है, कितना परमाणु दिखाओगे बताओ मुझे, कितना परमाणु दिखाओगे, मुमकिन है दिखा पाना, नहीं, तो इसी का एक रूल होता है जो कि बनाएंगे, उसका तो परमाणु संख्या एक था, हमें पता है कि भाई एक ही लगाना चाहिए, इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, बॉन्डिंग बनाना है तो एक लगाकर बॉन्डिंग बना दिया, वो तो मुमकिन था, लेकिन ये 17
17 है, 17 लगाकर बॉन्डिंग बनाओगे क्या? 17 बॉन्ड दिखाओगे, 17 दुनिया 34 हो गया, 17 बॉन्ड दिखाना है हमें, नहीं दिखाना है। तो वही को तो उसी को बनाने को तो समझना है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? आप सभी को पता है के एल एम एंड एन 17 है। पहली कक्षा में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? तो 2 रख सकते हैं, सभी को पता है 2 रख दिया। अब बचा कितना? 15 बचा। अब दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? तो आपने पिछली क्लास की होगी अगर इस टॉपिक वाली पहली क्लास, तो आप सभी को पता है कि पहली कक्षा में 2 रख सकते हैं और दूसरी कक्षा में कितना रख सकते हैं? तो दूसरी कक्षा में मैक्सिमम रख सकते हैं हम लोग 8। तो 2 और 8 कितना हो गया? तो हो गया 10। अब बचा हुआ कितना है? तो बचा हुआ है 7। 17 में से 10 चला गया तो कितना बचा? 7 बचा। तो मतलब कि आखिरी कक्षा में हो गया 7। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो आखिरी कक्षा से होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी कक्षा से होता है। अब बोलोगे कि हाइड्रोजन का कैसे करते हैं? तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। तो लगा दो 1, किसमें लगाओगे? इसी में लगाओगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 होता है, तो 1 तो रहेगा। अब बताओ 1, तो उसका भी तो आखिरी वाले से ही है ना, उसका भी तो आखिरी यही है, उसका पहला ही आखिरी है। हाइड्रोजन का 1 परमाणु संख्या है, तो उसके लिए पहला ही जो है वो क्या है? तो आखिरी है। तो इसीलिए इसका जो पहला है यही उसके लिए क्या है? तो आखिरी है। तो उसके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? आप सब भी जानते हो कि भाई सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 1 है। तो अब आखिरी वाले से लेते तो एक एक परमाणु दिखाएंगे तो एक ही बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाता। तो इसीलिए उसमें ये नहीं मैंने किया था, क्योंकि आप सब समझ सकते हो। चलो ये हो गया हमारा, तो 2, 8, 7। तो आखिरी वाले में कितना है? 7। और जो केमिकल बॉन्डिंग बनता है वो बनता है इसी 7 पे। चलिए हमेशा केमिकल बॉन्डिंग बनाओगे तो इस लास्ट वाली, इस आखिरी वाली संख्या से ही बनाओगे, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग जब भी बनाओगे तो इस लास्ट वाली, इस आखिरी वाली संख्या से ही बनाओगे। जैसे यहां से हटा रहा हूं अब इनको, यहां तक देख लिया हमने, अब क्या होगा? तो 7 होता है, ठीक है, पता है सभी को। चलिए तो कैसे करेंगे ये देख लो। यहां पे हमें बॉन्डिंग दिखानी है, तो क्या करेंगे, कैसे इसका बॉन्डिंग बनाएंगे? सबसे पहले ये समझ लो आप सब, तो क्या है? क्लोरीन है, 2 है, क्लोरीन इधर भी हो गया और क्लोरीन जो है इधर भी हो गया। कैसे है? कितनी परमाणु संख्या है? तो 2 है, ठीक है। सबसे पहले देख लो 2 परमाणु संख्या इधर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 7 कितना था लास्ट संख्या में, लास्ट कक्षा में कितना था? 7। तो हम लोग यहाँ पे 7 परमाणु दर्शाएंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग आखिरी वाले से बनता है, 7 दर्शाएंगे। तो 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, याद रहे सिंगल बॉन्ड हमें बनाना है, हम लोग एकल सहसंयोजन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। अब इधर भी वैसे ही चलेंगे, इधर भी बिल्कुल उसी प्रकार से रखेंगे इधर, ठीक है। ये परमाणु दर्शा रहे हैं आखिरी कक्षा वाले, ये परमाणु है, 2 परमाणु इधर, 2 परमाणु इधर, 2 परमाणु इधर, और 1 परमाणु जो है आपका हो गया इधर, ठीक है। क्या हो गया? अब देखो क्या बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन, यदि 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो क्या बना? Cl और Cl के बीच में बन गया हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे देखो हमारा सिंगल बॉन्ड जो है क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे समझेंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है। यहां पे हमारा सिंगल बॉन्ड क्लियर हो चुका है, अब हम लोग सिंगल बॉन्ड समझ लिया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, और आता भी केवल यही 2 है। इंडियन आर्मी के रिटेन में और भी है, हीलियम का बनाओ, बोरॉन का बनाओ, सभी का सिंगल ही बनना है। लेकिन बात है कि ये देखो आता भी केवल यही है, एक क्लोरीन आएगा और एक आपका हाइड्रोजन आएगा। ज्यादातर यही 2 क्वेश्चंस जो है आपके इंडियन आर्मी के रिटेन टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग वाले सेक्शन से होते हैं। तो ये 2 हो गए। चलो यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है, अब जो है यहां तक आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब आगे हम लोग द्विसहसंयोजक बंधन, जो कि इसका सेकेंड पार्ट है, जो कि हमारा आज हमने क्लियर कर लिया फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल अच्छी तरीके से, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अब के मैं क्या करूंगा ना, कि अब मैं इसे यहां से हटा दूंगा, ठीक है। चलिए तो मैं अब इसे यहां से हटा रहा हूं, और अब हम लोग जो है द्विसहसंयोजक बंधन उसको जान लेंगे कि वो होता क्या है, उसको हम लोग समझ लेंगे। तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, और अब देखेंगे बी नंबर जो हमने आपको बताया था, बी नंबर जो हमारा था वो क्या था? तो वो था हमारा द्विसहसंयोजक बंधन, जो हमने बी नंबर आपको कल बताया था। बी नंबर क्या होता है? तो सहसंयोजक बंधन का बी नंबर टाइप है, दूसरा टाइप है सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन, ठीक है, सॉरी द्विसहसंयोजक बंधन। द्विसहसंयोजक बंधन, ठीक है, यही था उसका सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या था? तो सेकेंड टाइप था आपका द्विसहसंयोजक बंधन, ये था इसका सेकेंड टाइप। अब देखिए सेकेंड टाइप जो है हमारा वो क्या हो गया?
तो वो हो गया आपका द्विसहसंयोजक बंधन। तो इसी को जो है हम लोग अब समझ लेंगे। तो द्विसहसंयोजक बंधन जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं देखो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या लिखा जाता है, तो इसी को लिखा जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ये लिखते हैं। अब इसका जो है डेफिनेशन थोड़ा सा देख लिया जाए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है ये समझ लिया जाए। तो देखो इसको लिखा जाता है कि जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब उनके बीच द्विसहसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। उसमें क्या था, तो उसमें था कि एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ठीक है, जब उनके बीच, या देखो यही हमारा, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, ये दो जोड़े, ठीक है, के बीच दो जोड़े। एकल संयोजक बंधन का क्या था, ये डेफिनेशन क्या था, तो उसका डेफिनेशन था कि के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। लेकिन द्विसहसंयोजक बंधन में जस्ट उल्टा उसका, जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े, उसमें क्या होता है एकल संयोजक बंधन में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में, कि एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। लेकिन इसमें जो द्विसहसंयोजक बंधन है इसमें जो है आपका दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उनके बीच द्विसहसंयोजक बंधन बनता है। क्या हो गया कि जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब उनके बीच जो है आपका द्विसहसंयोजक बंधन बनता है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब कैसे होता है ये देख लिया जाए, कौन सा इनका एग्जाम्पल है। तो इसका जो जाना माना एग्जाम्पल है जो कि इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में हर बार पूछा जाता है और यदि आप में आएगा तो हो सकता है कि पूछ दिया जाए, वो है आपका कौन सा, तो वो है हाइड्रोजन का, वो है ऑक्सीजन का, सॉरी वो है ऑक्सीजन का। क्या हो गया, तो वो हो गया आपका, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीजन अणु, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, तो ऑक्सीजन अणु, ये आपका एग्जाम्पल है, इसको आपको जो है बनाना है। तो ऑक्सीजन अणु, ठीक है, ऑक्सीजन अणु में मेरे को ये बताओ कि ऑक्सीजन अणु को सूचित किससे करते हैं, तो ऑक्सीजन अणु को सूचित करते हैं ओ से, और ओ अकेले नहीं होता है, कोई भी आपका परमाणु अकेले नहीं होता है, खास करके ऑक्सीजन तो और नहीं होता है, ओ टू लगा होता है, ठीक है, ओ टू लगा होता है। तो ओ कितने हो गए, ओ हो गए हमारे दो। चलिए ओ कितने हो गए, तो ओ हो गए हमारे दो। अब क्या करना होगा, तो आप सभी को पता है कि पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। पहले जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब जाके बोला कि केमिकल बॉन्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं उसका इंपोर्टेंसी आपको देखो यहीं पर समझ में आएगा। सबसे बड़ा इंपोर्टेंसी कहीं पर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो वो है आपका यहां पर केमिकल बॉन्डिंग में। जिसको वो नहीं आता ना वो कभी नहीं बना पाएगा केमिकल बॉन्डिंग, तो इसीलिए उसका इंपोर्टेंसी जो है यहां पे है। तो चलिए अब देखो, अगर किसी से कल का क्लास मिस भी हो गया हो, ठीक है, कल नहीं मतलब कि सैटरडे, इसकी पिछली क्लास, कल तो संडे थी, कल तो क्लास आई नहीं, लेकिन इसकी पिछली मतलब सैटरडे वाली क्लास किसी से अगर मिस भी हो गई हो तो कोई इशू नहीं है, सेम एज वहीं से चल रहा है, कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, बस सेम एज वहीं से चल रहा है। क्योंकि देखो या तो हो सकती है वीडियो रिमूव हो गई होगी या कुछ भी इशू हो चुका है, एक नेटवर्क इशू हुआ है,
किसी को दिख नहीं रहा है अच्छे से, कुछ आवाज नहीं आ रही है, तो वही बोल रहा हूँ कि अगर मिस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करोगे अटेंड कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्लास जो है उसी के आगे चल रही है, वहीं से आगे बढ़ रही है जहाँ पे हमने शुक्रवार को कंप्लीट किया था, वहीं से आज बोले तो मंडे को बस थोड़ा सा उसमें बताया था, और जो बताया था ना एकल सहसंयोजक बंधन वो आज आपको मैंने फिर से समझा दिया। अब अगर एकल सहसंयोजक बंधन का डेफिनेशन लिखना हो तो यहाँ पर जो दो जुड़ा है ना इसको कर देना एक जुड़ा, और ये जो द्वि सहसंयोजक है यहाँ पे करना एकल सहसंयोजक, हो गया, यही तो था। यहाँ पे जो दो है यहाँ पे एक जुड़ा कर देना, और यहाँ पे जो द्वि सहसंयोजक बंधन है यहाँ पे करना एकल सहसंयोजक बंधन, हो गया। तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना, अगर आपसे सैटरडे वाली क्लास मिस हो गई है तो कुछ भी नहीं बताया था, बस एकल सहसंयोजक बंधन बताया था जो कि हो सकती है मिस हो गई है क्लास आपसे, तो कोई इशू नहीं है, हो गई, होनी थी, हो गई, कोई इशू नहीं है। चलिए अब जो है हमारा ऑक्सीजन अणु O2, ठीक है, इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। क्या करना होगा, तो इसका हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं KLMN, इसी फॉर्म में करते हैं ना। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है बताओ, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, मैं थोड़े देर रुक रहा हूं। अगर अभी आप लाइव क्लास प्रीमियर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप लाइव चैट के थ्रू बोल सकते हो कि क्या हो रहा है, भले ही मैं देखो लाइव क्लास तो नहीं है, प्रीमियर क्लास है, तो मैं इसमें भले ही अभी आपको रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, आप बोलोगे मैं भी आपका आंसर नहीं देता, लेकिन मैं जो हूं जो प्रीमियर चल रही होती है तो मैं भी उसको देख रहा होता हूं, ठीक है। तो जितनी भी लाइव चैट्स आती है, जितनी भी चैट्स की जाती है, जो भी कमेंट्स आती है लाइव चैट में, मैं उसका रिप्लाई देते रहता हूं। आप लोग अभी लाइव चैट में रिप्लाई करके चेक कर लेना, जैसे मैं प्रिया जी हैं और भी कुछ व्यूअर्स हैं जो कि कंटिन्यू हमारे क्लासेस करते रहते हैं, तो देखो वो जो भी कमेंट करते हैं लाइव चैट में मैं उनको तुरंत रिप्लाई करता हूं, मैं उसी टाइम लाइव चैट में उनको रिप्लाई करता हूं, तो क्योंकि वो देखो वो हमारा जो डेस्कटॉप है उसमें वो चालू होता है, ठीक है। जब प्रीमियर आपका यूट्यूब में जब आप देख रहे हो तो जो भी क्लास ऑनलाइन लाइव नहीं प्रीमियर, ठीक है, लाइव तो चलती ही रहती है, लाइव में तो हमें दिखता है कौन क्या कमेंट कर रहा है, लेकिन जो प्रीमियर चलती है वो भी हमारे यूट्यूब के डेस्कटॉप में ऑटोमेटिकली जहां से हम लोग अपलोड करते हैं वो हमारा चालू हो जाता है, और हमें दिखता है कि आप क्या लाइव चैट में क्या कमेंट कर रहे हो, क्या आप लाइव चैट में क्या चैट कर रहे हो। तो यदि आपको पता है ऑक्सीजन का कितनी होता है परमाणु संख्या, तो आप मुझे बताओ क्या होती है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और यदि मैं आप यदि अभी कमेंट कर रहे हो या अभी आपने परमाणु संख्या बताई ऑक्सीजन की क्या होती है, तो मैं अभी जस्ट आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपने सही बताई या नहीं, तो बिल्कुल वही आपका मैं देख रहा हूँ आप, ठीक है। तो क्या है परमाणु संख्या ऑक्सीजन का, क्या आप बताओ, मैं थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कितनी रिप्लाईज आती है, क्या बोलते हैं लाइव चैट में, तो जो देख रहे होंगे उन्हें तो पता ही है इसका आंसर क्या है। तो देखो ऑक्सीजन की क्या होती है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, कितनी होती है 8 होती है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। अब 8 होती है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितना रखेंगे, तो पहली कक्षा में मैक्सिमम रखेंगे 2, तो 8 था, बचा कितना 6 बचा, तो आखिरी कक्षा में हो गया 6। अब केमिकल बॉन्डिंग किस वाली कक्षा से बनाते हैं, तो आखिरी वाली कक्षा से, पहले ही बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग इस लास्ट वाली कक्षा से हम लोग बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन एक यहां पे और ये ऑक्सीजन एक यहां पे, ठीक है। अब क्या है 6 है, ठीक है, तो 2 इधर और 2 इधर करेंगे। अब बोलोगे सर 2 इधर क्यों करेंगे, क्यों नहीं 2 इधर कर देंगे, तो भाई हम लोग को बॉन्डिंग बनाना है, हम लोग को उन लोगों को अकेले नहीं छोड़ना है, इन दोनों में संबंध स्थापित करना है, अगर संबंध करना ही नहीं है तो कर लो इधर, इसको भी इधर कर लो, यहाँ तो कुछ दिखेगा, कुछ रहेगा नहीं, दिखेगा क्या, तो हम लोग को इनके बीच लड़ाई नहीं लगवाना है, हम लोग को इनको अलग अलग नहीं करना है कि इसको भी यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसको भी यहाँ पे 6 6 लगा दिया, 6 6 परमाणु इनके दिखा दिए, जा 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, अब तू निकल दे, इनके बीच कैसे संबंध दिखाओगे, तुम्हें यहाँ संबंध दिखाना है इनके बीच, तुम्हें इनको संबंधित करके दिखाना है, संबंध बनाना है इनमें, तो अब अगर तुम अगल बगल लिख दो तो कैसे चलेगा। तो देखो 2 परमाणु तो ऊपर हो गए, 2 परमाणु नीचे हो गए। अब जब 2 परमाणु याद रहे कि परमाणु आमने सामने ही लिखे जाते हैं, याद रखना जो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु तुम लिख रहे हो वो आमने सामने ऊपर नीचे ही लिखे जाएंगे, ये नहीं कि एक यहां एक यहां एक यहां, नहीं आमने सामने ही आपको लिखने हैं, जो परमाणु आप लिखोगे वो आमने सामने होंगे जितने होंगे, जैसे में देखो 2 2 4 हो गया, इसका 2 2 4 हो गया, बचा कितना हुआ है, तो 2 इधर बचा हुआ है और 2 इधर बचा हुआ है, देखो आमने सामने है ना, ये भी आमने सामने, ये दोनों भी आमने सामने, तो अब कितना होगा, देखो जब 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन, तो पहला जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया ये, पहला जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया ये, और फिर दूसरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो जब 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उनके बीच द्वि सहसंयोजक बंधन होता है, देख लो डबल बॉन्ड बना दिया ना, हो गया ऐसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो आपका ये ऑक्सीजन ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा
अब देखिए इसी के साथ हमारा जो है द्विसहसंयोजक बंधन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्या होगा, तो त्रिसहसंयोजक बंधन, और वो त्रिसहसंयोजक बंधन के बाद बस एक या दो क्लास और होगा और उसी के बाद हमारा जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक भी क्लियर अब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रेडियो सक्रियता को जानेंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो कि आपका अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें होती हैं, रेडियो सक्रियता की खोज किन्होंने की थी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ज्यादा नहीं, अब केमिकल बॉन्डिंग में मैक्सिमम दो से तीन क्लास और आएगी, मतलब कि बुधवार गुरुवार तक हो सकता है और क्लास है, उसके बाद हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे, आज शाम 7 बजे तो मिल ही रहा हूँ बायोलॉजी के साथ, और नहीं तो कल फिर मिलूंगा आपसे, अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो आज शाम में बायोलॉजी के लिए जरूर ज्वाइन करना, 7 बजे प्रीमियर जरूर ज्वाइन करना, प्रीमियर क्लास। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।